बेहद शुक्रिया नूतन जी, दोस्तों जब नूतन जी ने मुझसे ये कहा कि मैं यहाँ आऊँ और आपके सामने बातचीत रखूँ तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। इसकी कई वजह थी, एक तो ये कि ये ट्रस्ट उन अंधेरों में जो लगातार हिंदुस्तान के ऊपर हमारे देश के ऊपर छा रहे हैं उनमें एक चिराग की तरह से है जो रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। वजह ये भी थी कि केतन कलीग थे, CSIR में रहे, जिस ज़माने में मैं IIT में रहा हूँगा दिल्ली में, चेतन दूसरी IIT में थे। ख्यालात हमारे मिलते जुलते ही हैं, तो ऐसे दोस्त की याद में बुलाया जाना बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए। पर उससे सब चीज़ों से हट के इस वक्त देश के जो हालात हैं उनमें लगातार बोलते रहना, लगातार बात को रखते रहना और पूरी मजबूती के साथ रखते रहना, इसकी ज़रूरत है। और इसलिए मेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था आपके बीच में। मैं समझता हूँ कि कुछ लाइनें जो याद आती हैं उनसे शुरुआत करता हूँ। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी ना कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, सागर का छलकना क्या कम है, इतना सब कुछ कहने को है, इतना सब कुछ कहने को है, इतना सब कुछ लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी ना कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। दोस्तों ये ऐसा ही वक्त है जब आवाज़ उठाना बहुत लाजिम है, जब ये बताना बहुत लाजिम है कि हमारे देश में दो तरह की परंपराएं हमेशा मौजूद रही। एक वो परंपरा है जो साइंटिफिक है, जो खोज की तरफ ले जाती है, जो सवाल उठाने की तरफ ले जाती है, जो हर बात को, जिसे हम ट्रेडिशनल कहते हैं, उसको चैलेंज करती है, उसको परखने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ वो परंपरा रही है जिसे हम अनसाइंटिफिक कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो पूरे इतिहास के चक्के को पीछे चलाने की कोशिश में लगी रही, जो हर ट्रेडिशन को जमा के रखने की कोशिश करती है, जो दिमागों को बंद करने की कोशिश करती है। और उन परंपराओं में से हमें हर वक्त ये फैसला लेना होगा, हर कदम पे ये फैसला लेना होगा कि कौन सी परंपरा को हम अपनी परंपरा कहते हैं। हिंदुस्तान में जब मॉडर्न साइंटिफिक विचार आने शुरू होते हैं तो एक लंबी बहस है लगभग 100 साल की, जिसमें इन सवालों के ऊपर कि हमारे देश को किन चीजों ने पीछे रखा इतिहास में, इसके ऊपर ख्यालों का भीषण युद्ध दिखाई देता है। जैसे जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी हिंदुस्तान के ऊपर उभरना शुरू होती है और मॉडर्न साइंस की तरफ बढ़ती है,
वैसे वैसे वो सारी चीजें डिस्कोर्स का पार्ट बनती जाती हैं जो हमारी सोच को मॉडर्न सोच की तरफ, मॉडर्न साइंस की तरफ, सवाल उठाने की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो यह बहस हमारे स्वाधीनता संग्राम के साथ जुड़ी हुई है, इसको स्वाधीनता संग्राम के से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जेसी बोस अपनी एक किताब के इंट्रोडक्शन में उस जमाने में लिखते हैं, जेसी बोस इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ केमिकल साइंसेज एंड केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, वो तब लिख रहे हैं कि हमें साइंटिफिक आंकड़ों की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो साइंटिफिक होते हैं और नई चीजें लाते हैं, बल्कि हमें साइंटिफिक आंकड़ों की इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमारी दृष्टि अपने समाज को और पूरे ब्रह्मांड को देखने की बदलती है उससे। ये शुरुआती दौर के लोग हैं जो बहुत करीब से हमारे स्वाधीनता संग्राम के साथ जुड़ते चले जाते हैं, और यह बहस धीरे धीरे तेज तर होती हुई एक अजीब आदमी की सोच को ढाल रही है। और मुझे बहुत अद्भुत लगता है कि इस सोच का सारा निचोड़ एक साइंटिस्ट नहीं निकाल रहा हमारे देश में। मैं साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को इस बहस में कम करके नहीं आंक रहा, पर यह अद्भुत बात है कि एक आदमी जेल के अंदर है, वो राजनीति करता है, वो राजनीतिक भ्रमण के पूरे जो उस वक्त उठ रहा है पूरे देश में उसके बीच में है, उसकी केंद्र बिंदु है, बिल्कुल एपी सेंटर ऑफ वॉट एवर पोलिटिकल इज गोइंग ऑन। और वो सन 45 में ये डिसाइड करता है कि किताब लिखेगा, और वो किताब जो है वो 46 में छपती है और वो मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक की तरह से आज तक लोगों के दिमाग में है। उस किताब को जितनी बार मैं पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। वो किताब बहुत मोटी किताब है, आप सब ने देखी होगी, पढ़ी होगी ज़रूर। उस किताब के 5 पेज और सिर्फ 5 पेज, वहाँ वो फिलॉसफी, रिलीजन और साइंस की बात, हालांकि साइंस का वर्ड जो है 130 बार उस किताब के अंदर है, मौजूद है, और टेक्नोलॉजी है और साइंटिफिक टेंपर की बात है अलग अलग जगह के ऊपर, लेकिन 5 पेज उसके इन तीनों चीजों के लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सेक्शन जहां वो साइंटिफिक टेंपर को डिफाइन करता है वो आदमी। और वो आदमी ये कहता है कि साइंटिफिक टेंपर इज साइंस बियॉन्ड 4 walls। और उसकी खूबसूरत डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मतलब ये इतनी सुनाई और लिखी और बार बार घूमी है कि कुछ लोगों को याद हो गई होगी। साइंटिफिक टेंपर के बारे में वो कहता है, इट इज द साइंटिफिक अप्रोच, द एडवेंचरस एंड येट क्रिटिकल टेंपर ऑफ साइंस, द सर्च फॉर ट्रूथ and new knowledge, the refusal to accept anything without testing and trial, the capacity to change previous conclusions in the face of new evidence, the reliance on observed facts and not on perceived preconceived theories, the hard discipline of mind, all this is necessary not merely for application of science but for the life itself and the solutions of its many problems. Now this is his vision, but he is very cautious about it. In the same section he also says, too many scientists today who swear by science forget all about it outside their particular spheres. So he is skeptical about even scientific community that was there at that time. How did this miracle happen? That
just let's realize that this particular person has done tripos in England. He's studied in initial periods chemistry, physics, biology, physics, chemistry and mathematics. ये पढ़ा पर उसको बहुत जमाना गुजर चुका है तो फिर इस आदमी को साइंटिफिक टेंपर की इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग कहां से आती? मेरा मानना यह है कि उस वक्त की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद और बाकी सारे लोग, इन लोगों की अपनी ग्राइंडिंग, इन लोगों की अपनी अपब्रिंगिंग, पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग की बात कर रहा हूं मैं, वो एक ऐसे माहौल में हो रही है जहां बेस्ट ऑफ द माइंड ऑफ दैट पीरियड इज ऑलमोस्ट हैविंग पर्सनल रिलेशनशिप विद देम, राइट फ्रॉम सीवी रमन टू भाभा एंड भटनागर एंड बोस एंड सो मेनी ऑफ देम, द गैलेक्सी ऑफ साइंटिस्ट, ये इनके चारों तरफ लगातार बेस्ट ऑफ द पोएट्स की डायरेक्ट रिलेशनशिप है गांधी नेहरू के साथ, सारी लैंग्वेजेस की, बेस्ट ऑफ द राइटर्स, बेस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स इन द कंट्री, ये सारे इकट्ठा हैं इस पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ और इस संग्राम का एक हिस्सा है और यहां से एक पॉलिटिकल आदमी की समझ उभरती है और वो जो किताब लिखता है वो किताब एक आज तक सेलिब्रेट होने वाली किताब बन जाती है। वो सिर्फ साइंस का मामला नहीं है, साइंटिफिक टेंपर का मामला नहीं है, वो हिस्ट्री की भी खूबसूरत किताबों में से एक किताब मानी जाती है। ये है उस वक्त की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की ग्रूमिंग एंड ग्राइंडिंग और इसीलिए हिंदुस्तान आजाद होते ही हम देखते हैं कि साइंटिफिक लीडरशिप हिंदुस्तान की उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखती है कि अब नया हिंदुस्तान बनाना है, नया हिंदुस्तान पैदा करना है हमें। और लगातार अगर आप देखें तो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि साइंटिफिक इंस्टॉलेशंस को बनाना और एक्सपैंड करना इस मुल्क की जरूरत है आगे आने वाले हिंदुस्तान को बनाने के लिए। न सिर्फ ये, साइंटिफिक टेंपर के ऊपर लगातार बड़ी बड़ी बहसें हैं इस बीच में और उसको फैलाने की कोशिश है। इस पर कभी और बात करेंगे कि उसी लीडरशिप के अंदर ऐसे लोग हैं जो साइंटिफिक टेंपर के खिलाफ खड़े हैं अपनी जिंदगी में लगातार, जिनको साइंस और साइंटिफिक टेंपर से कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी जिंदगी के अंदर इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस करते हैं, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं सब, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो साइंटिफिक टेंपर के खिलाफ आवाज उठाएं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके लिए एक और लंबी कहानी की जरूरत है। बहरहाल ये बहस फिर से एक बार कल्मिनेट होती है 1958 में और हिंदुस्तान पहला मुल्क बनता है दुनिया का जहां की पार्लियामेंट साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट करती है। इससे पहले दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं है इसका कि कहीं की पार्लियामेंट ने साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। यह रेजोल्यूशन न सिर्फ ये कह रहा है कि आगे आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा, उसका क्या विजन है उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने, बल्कि उसके साथ साथ ये कह रहा है कि इस देश की अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और मजबूत करना है तो उसके लिए साइंटिफिक टेंपर आम जनता के बीच में फैलाने की जरूरत है। ये साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन अगर आप इसकी डिबेट पढ़ें तो दूसरी अद्भुत बात की तरफ भी इशारा करता है। जब यह प्रेजेंट किया जा रहा है तब कुंभ मेला, जैसे अब कुंभ मेले की तैयारी हो रही है उस वक्त कुंभ मेला चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर
पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और नॉर्मली ये होता है कि रेजोल्यूशन का नंबर और टाइटल पढ़ दिया जाता है, वो हर एक की कागज बांट दिए जाते हैं और जो भी प्रेजेंट करने वाला है वो कहता है कि इट इज टेबल्ड एंड देन वी कमेंट्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ऑल काइंड्स ऑफ एमपीज स्टार्ट. बट इन दिस रेजोल्यूशन समथिंग हैपेंड विच वॉज अगेन अनप्रेसिडेंटेड. द प्राइम मिनिस्टर राइजेज नेहरू एंड सेज कि आई एम गोइंग टू रीड एवरी वर्ड ऑफ इट. पूरा का पूरा वो पढ़ते हैं और कहते हैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि इसका हर लफ्ज, हर शब्द बहुत जरूरी. ये पढ़ा जाता है और इसके बाद बहस शुरू होती है पार्लियामेंट के अंदर. नॉर्मली जब सरकार प्रेजेंट करती है कुछ तो उसके बाद ऑपोजिशन खड़ा होकर के ऑब्जेक्शन शुरू करता है कि ये वर्ड सही नहीं है, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये फॉर्मुलेशन सही नहीं है, या पूरा का पूरा रेजोल्यूशन रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाना चाहिए वगैरह वगैरह. पर अगेन इसमें जब ऑपोजिशन खड़ा होता है, अगर आप पूरी की पूरी डिबेट को पढ़ें तो कहीं एक भी ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं है जो इसकी वर्डिंग के ऊपर हो या इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हो, एक भी लफ्ज किसी ऑपोजिशन लीडर का. इंस्टेड सम ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स राइज एंड से दैट इट शुड हैव बीन ब्रॉट मच अर्लियर. और वो ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप अगर पहले लेकर के आए होते तो दो रोलिंग प्लान्स, फाइव ईयर प्लान्स फेल नहीं होते. दे एक्यूज गवर्नमेंट कि आपको इसे पहले लाना चाहिए था, आप देर से कैसे लेके आ रहे हैं. ये है 50s और 60s का हिंदुस्तान और उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप. एक्सपैंड कर रहा है हिंदुस्तान के वेरियस इंस्टीट्यूशंस. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाता है, DRDO, इसरो, ये वो वगैरह वगैरह. और यूनिवर्सिटीज बहुत तेजी के साथ नए साइंटिस्ट को ट्रेन करके हिंदुस्तान में पैदा कर रही. ये है हमारा हिंदुस्तान 70s तक का. और फिर इंदिरा गांधी ने, आप जानते हैं कि कहा था कि वी आर थर्ड साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड वगैरह वगैरह. ये सब कुछ हो रहा है. तो क्या जो एंटी साइंस, जो रूढ़िवादी सुपरस्टिशियस लोग थे वो चुपचाप बैठे हुए थे? ऐसा नहीं हुआ. वो बहुत खामोशी के साथ जब न्यू साइंटिफिक टेंपल्स ऑफ इंडिया नेहरू बना रहे थे, वो भी फैक्ट्रीज बना रहे थे, उनकी भी अपनी फैक्ट्रीज थी. और हम देखते हैं कि 70 के दशक तक पहुंचते पहुंचते वो फैक्ट्रीज बड़ी फैक्ट्रीज बन जाती. हमें मालूम है कि गलियों, सड़कों, चौराहों के ऊपर सारे मुल्क में जगरते हो रहे थे बाई 70s. 80s तक पहुंचते पहुंचते रामायण, महाभारत टेलीविजन के ऊपर हमें देखने को मिलती है, वो एक और टर्निंग पॉइंट है. और बाय द एंड ऑफ 80s हमको इन सारे बाबाओं के नाम सुनाई देने लगते हैं जो आजकल आप टेलीविजन पे देखते हैं, जिन बाबाओं को. ये वो फैक्ट्रीज थी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और इनके प्रोडक्ट से नए नए सुपरस्टिशंस, इनके प्रोडक्ट थे एंटी साइंटिफिक थिंकिंग और ये लोगों तक पहुंच रहे थे. इनके पास जबरदस्त मनी पावर, वेल्थ ऑफ इंडिया वॉज अमास्ड. और धीरे धीरे ये पॉलिटिकल पावर भी अक्वायर करने लगे क्योंकि इनके
फॉलोइंग बहुत बड़ी थी। तो आप आसाराम बापू को भी देखते हैं और मुझसे ज्यादा आपको नाम पता होंगे शायद, तरह तरह के चोलों में हमें ये लोग दिखाई देते हैं। और एक तरह की लीडरशिप का गठबंधन इनके साथ दिखाई देता है, एक तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप का। राम मंदिर अभी मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल में यहां बैठा हुआ हर आदमी डरा हुआ है कि अयोध्या में इस वक्त क्या हो रहा है। राम मंदिर के दौरान ये पॉलिटिकल नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड दीज बाबास एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट इज सीमेंटेड, इट बिकम्स अ फोर्स इन इटसेल्फ। और तब हम देखते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में ऐसा है जो इन बाबाओं के साथ लगातार करीब रहते हुए हर पॉलिटिकल सीढ़ी को ऊपर तक चढ़ा है। फिर हम ये देखते हैं कि एक बार फिर ऐसी सरकार आती है जिसके सारे मिनिस्टर्स इन बाबाओं में से ज्यादातर बाबाओं के पैर छूकर पड़े हुए हैं। हमें ये मालूम है कि इनमें से कुछ बाबा आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, और हमें ये भी मालूम है कि इस पॉलिटिकल लीडरशिप ने कभी इस देश से माफी नहीं मांगी कि वो वहां उनके पैर छूने गए थे, उन रेपिस्ट के पैर छूने के लिए गए थे, इसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। मुझे नहीं लगता कि वो माफी मांगने जा रहे हैं। अब ऐसे माहौल में पैदा हुए पॉलिटिकल लीडर्स, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? एक तरफ वो लीडरशिप थी जो साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, राइटर्स, सिंगर्स, एक्टर्स के साथ और बेस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड सिंगर्स के साथ पल बढ़ रही थी, और अब ये दूसरी लीडरशिप है जो सत्ता पे आज काबिज है, जो इन बाबाओं के साथ मिलके बड़ी हुई फैली, जिसने शाखाओं के अलावा कोई दुनिया नहीं देखी। ये हो सकता है कि कोई बेवकूफ हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, और वो ये कहे कि गणेश जी एविडेंस है इस बात का कि इस देश में पुराने जमाने में प्लास्टिक सर्जरी, उसका एविडेंस है। मैंने जहां भी ये बात कही और जहां भी ये बात कही जाती है वहां सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये हो सकता है कि कोई जाहिल खड़ा हो कि ये कहे कि करण जो है वो स्टेम सेल का एविडेंस है। ये भी हो सकता है कि कोई कहे कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी पहली इस दुनिया की, ये हो सकता है। ये और देशों में भी हमें बहुत सारे ऐसे ल्यूनाटिक दिखाई देते हैं, हमारा देश कुछ अलग नहीं है उनसे। पर जब प्राइम मिनिस्टर ये आकर के कहता है और आपके शहर में पहली बार एक्सपर्ट्स के बीच में बैठ के ये कहता है कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का एविडेंस है, तब बात कुछ और होती है। इस पर सिर्फ हम हंस नहीं सकते, हमें इसको सोचना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है। और उसके बाद एक पूरा ऐसा लगता है कि एक पत्थर गिरा तो बहुत सारे पत्थर गिरने लगे, एवलांश शुरू हो गया। मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, एमपीस, सब इस तरह के एंटी साइंस स्टेटमेंट, दे गिव ऑल काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, एंटी साइंस स्टेटमेंट्स विद कंप्लीट इम्प्यूनिटी।
एक चीफ मिनिस्टर जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है, वो कहता है कि महाभारत इसका एविडेंस है कि हमारे पुराने जमाने में इंटरनेट था। वो अभी बैठा ही है गद्दी पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर बैठते ही ये बात कह रहे थे, एक महीने के अंदर ये बात कह रहे थे। ये भी कह रहे थे कि एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग कोई चीज नहीं है। बच्चे के सवाल के जवाब में वो ये कह रहे थे कि लोग जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ज्यादा लगने लगती है गर्मी और सर्दी, ऐसा कुछ हो रहा है दुनिया में। तो ये चीफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर कहने लगता है कि डार्विनिज्म इसलिए गलत है कि उसने और उसके बाप ने और उसके दादा ने और उसके परदादा ने बंदर को इंसान बनते हुए नहीं देखा। और यह हमारे कोर्स की किताबों से हटा देना चाहिए। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, पाकिस्तान में डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे यहां वो मिनिस्टर जो ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में स्थापित है, वो ये बात जब कहे तो कितनी खतरनाक बात होती। हमारे यहां जब जज ये बात कहे कि गाय ऑक्सीजन इनहेल भी करती है एक्सहेल भी करती है, अकेला जानवर। हमारे देश में जब ये जज कहने लगे कि मोर रिप्रोक्रिएट करता है आंसू पी करके, तो ये खतरनाक बात है। क्या जजमेंट देने जा रहा है वो जिंदगी, ये चीफ मिनिस्टर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करने जा रहे हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन आज हमारे पार्लियामेंट में पास भी किया जा सकता है? नहीं पास हो सकता। आज हम यहां पहुंच गए। ये हाल हुआ है देश का और इसे हमको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम सिर्फ हंस नहीं सकते। पर मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, कुछ एंटी साइंस बात कर दी, वो कह सकते हैं थोड़ा जाहिल आदमी है, कोई बात नहीं है। इसका क्या असर पड़ता है? इसका असर ये पड़ता है कि एक तरफ तो बाबाओं की जो ताकत है वो एकदम से बढ़ जाती और वो ताकत हमें आज अयोध्या में दिखाई दे रही है, जमा होती हुई, इकट्ठा होती हुई। वो डिसाइड करेंगे कि वहां पर मंदिर थी या मस्जिद था, क्या था और क्या नहीं था। वो डिसाइड करेंगे कि क्या इस देश में पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। वो डिसाइड करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी किताब रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। वो डिसाइड करेंगे कि JNU रहेगी जिंदा या नहीं रहेगी। वो डिसाइड करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज कैसी होंगी। पर चलिए, कल को अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो वो बदल लेंगे, हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हो जाए, शायद ठीक ठाक हो जाए। हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का क्या होता है? जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कहता है तो वो पॉलिसीज डिसाइड करती है किसी मुल्क के अंदर, जिस तरह से नेहरू की साइंटिफिक टेंपर पर जोर देने से आगे आने वाली पॉलिसीज डिसाइड हुई थी, उसी तरह से यहां भी पॉलिसीज डिसाइड होती। और तब IIT दिल्ली हो या कानपुर हो या खड़गपुर हो, वहां पर गौमूत्र पे रिसर्च के लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है, जबकि साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बजट कट हो रहा। तब हम IIT खड़गपुर से कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के पढ़ाना कितना जरूरी है और वहां कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। तब AICTE जो रिस्पॉन्सिबल है हजारों टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए हिंदुस्तान में, एक ऐसी किताब इंट्रोड्यूस करती है जो किताब कह रही है कि ऋषि
अगस्त्य ने फोटोवोल्टाइक सेल सबसे पहले बनाया था। वो ये कह रही है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डिप्लीट करके ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन सबसे पहले किया गया था। ऋषि कन्नड़ा ने न्यूटन्स लॉस बनाए थे सबसे पहले। हमारे शास्त्रों के अंदर ऋग्वेद में लाइट की सही स्पीड बता दी गई थी, दुनिया को बाद में पता लगी। और हमारी किताबों में 5,000 साल पहले ऋषि भारद्वाज ने एरोप्लेन ही नहीं बताया था, बल्कि एविएशन के सारे उसूल, फ्यूल वगैरह वगैरह सब कुछ बता दिया था। ये असर पड़ता है देश के ऊपर, उसके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में अभी यह पढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि अब आगे आने वाला हिंदुस्तान, उसको कोई जरूरत नहीं है जिसकी बात नेहरू ने कही थी, द हार्ड डिसिप्लिन ऑफ माइंड, अब इसकी जरूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर ये कह सकता है अपनी रैली में बड़े आराम के साथ छत्तीसगढ़ में जाकर के 35 करोड़ लोगों को कुछ फैसिलिटीज छत्तीसगढ़ में मिल चुकी, हमारे देश में 125 करोड़ लोगों को घरों की चाबियां मिल चुकी जो उनको बना के दी गई। मैं यही सोच रहा था कि मेरे कुत्ते और बिल्ली को भी मिल जाना चाहिए थी, अगर 125 करोड़ लोगों को इस देश में घर मिले हैं तो, क्योंकि कुछ तो घर पहले से थे, तो नए घर जो बने होंगे वो सबको ही मिल चुके होंगे। वो ये बड़े आराम से कह सकता है कि तक्षशिला जो है वो बिहार में थी, वो अपने पार्टी के जिन्होंने दागबेल डाली थी जनसंघ की, उनको ये कह सकता है बड़े आराम से, खुलेआम बिना माफी मांगे हुए कि गलती हो गई, कि वो गुजरात में पैदा हुए थे। हार्ड डिसिप्लिन ऑफ माइंड, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर इज पुश्ड टू द बैक बर्नर। नाउ यू डोंट नीड फॉर इंडिया विच इज साइंटिफिकली टेम्पर्ड, यू नीड एन इंडिया विच इज रिलीजियसली टेम्पर्ड। दैट इज द सिग्नल ही इज गिवन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एंड देयरफॉर द डिजेनरेशन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द बोर्ड। अभी हम बात कर ही रहे थे कि किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशन को, जिनको लेकर के किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र की गणना की जाती है, लोकतंत्र बनाया जाता है, और एक आम आदमी उन इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके अपनी बात को आगे रख पाता है, उन सब को एक एक करके डिमोलिश किया जा रहा है। और इसमें बड़े लेवल के ऊपर रिसीविंग एंड पे हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ज्यादा ड्रामेटाइज कर रहा हूं चीजों को, ये 4-5 साल का मामला है, अगर इस तरह की कुछ चीजें कह दी गई और आईआईटी में और जगहों के ऊपर कहीं किसी को संजीवनी बूटी तलाश करने पे लगा दिया गया तो क्या बुराई है उसमें, किसी को सरस्वती खोदने में लगा दिया गया तो क्या बुराई है, किसी को कहा गया कि राम सेतु ढूंढो और उसके लिए खूब सारे फंड्स दे दिए गए तो कुछ वक्त के लिए होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, और अपेरेंटली आप लगेगा कि जस्टिफाइड हैं। इतने दिन तक इन चीजों के ऊपर रिसर्च नहीं की गई, आप कोई कर रहा है तो करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। इन 4 सालों में CSIR के पब्लिकेशंस हर साल 1,000 पेपर्स की दर से पीछे घटते रहे, और ये जवाब है हमारे साइंस मिनिस्टर का
पार्लियामेंट को. लेटेस्ट एनालिसिस ये बता रही है कि हम चाइना से तो बहुत पीछे छूट गए, जबकि 2002 तक हम चाइना के बराबर हैं पब्लिकेशंस में. उसके बावजूद सारे देश चाइना से पीछे छूट गए, चाइना से कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता. जहां तक रेप्यूटेड जर्नल्स का सवाल है दुनिया के, उनमें जो पब्लिकेशंस की फिगर्स हैं, उसके बावजूद हमने 20,000 पब्लिकेशंस रेप्यूटेड जर्नल में वहां से ले जाकर के 2014 तक 60,000 पब्लिकेशंस तक पहुंचा दिया था. ये पीयर रिव्यू रेप्यूटेड जर्नल्स की बात कर रहा हूं. और हम कई देशों से, जिसमें इटली और स्पेन खासतौर से आगे थे, हम उनसे आगे निकल गए थे. लेटेस्ट फिगर्स ये बता रही हैं कि हम वापस 2000 की दर पे पहुंच गए. जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो नेगेटिव रहा. इन 4 सालों में जिस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाया गया है वो फिनोमिनल है, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं. और जगहों के बारे में हमें पता है, पॉलिटिकल फील्ड में क्या हो रहा है, जुडिशरी में क्या हो रहा है, मीडिया में क्या हो रहा है, उनको किस तरह से ढाया गया है हमें मालूम, पर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमें मालूम नहीं. अगर यही फिगर्स अब से 10 साल पहले मिली होती तो पूरे मुल्क के अंदर हंगामा खड़ा हो जाता. आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ इनसेंसिटिव इसलिए हैं कि हमारा मीडिया भी पूरी तरह से इनसेंसिटिव है. कोई अखबार इस फिगर को छापने को तैयार नहीं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी परेशानी यह है कि जिस तरह से हमने शुरुआती दौर में अपने देश के आज़ाद होने में ये फैसला लिया कि हम अपनी बेल्ट कसेंगे, भूख, गरीबी, लाचारी, इन सारी चीज़ों में से पैसे बचाएंगे, कुछ बहुत थोड़ा सा बचाया, और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लगाएंगे, उसकी फसलें हम 70 साल बाद काट रहे हैं. हमारे पास इसरो मौजूद है जो स्पेस में दुनिया से टक्कर ले रहा है, हमारे पास एटॉमिक एनर्जी है जिसके ऊपर बहुत डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बहरहाल है, CSIR की 37 लेबोरेटरीज हैं हमारे पास, DRDO है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ, और इनकी फसलें हम आज काट रहे हैं. ये फैसला था जो हमने तब लिया था, और इसका इंपैक्ट हमें 70 साल बाद पता लगा. अब जो कुछ हो रहा है, हो सकता है कि उसका इंपैक्ट फॉरेन मुल्क के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई ना दे, लेकिन अब से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद हम दुनिया के और मुल्कों से कितना पीछे हो जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, नहीं मालूम. ये खतरनाक है, और ये बहुत खतरनाक है. इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम फिर से अपनी आवाज को उठाएं, कोशिश करें ये जानने की कि हर अलग अलग फील्ड में क्या हो रहा है, और अपनी आवाज में ये बात कहें कि हम एक साइंटिफिकली टेम्पर्ड सोसाइटी के लिए हक में वोट देते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी साइंटिफिक टेंपर के खिलाफ है, और जो पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि इस मुल्क के अंदर साइंटिफिकली टेंपर्ड सोसाइटी बने, हम उसके खिलाफ खड़े हैं. हमारी आवाज बुलंद और साफ होनी चाहिए, वरना देर हो जाएगी. और जिस तरह आज हमारी नस्ल पीछे मुड़ करके ये कहती है कि उस वक्त के फैसले सही थे, उस पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि कितने सही और कितने गलत थे, आज के जो गलत फैसले हैं उसके लिए आगे आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी. शुक्रिया.